कांग्रेस से महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन ने आज नामांकन दाखिल किया। सागर नगर निगम महापौर प्रत्याशी निधि सुनील जैन ने आज गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पूर्व कांग्रेसियों ने सागर शहर में रैली निकाली। कांग्रेस प्रत्याशी रैली के साथ स्थानीय कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी ने अपनी जीत का भरोसा जताया। निधि जैन कांग्रेस के पूर्व विधायक सुनील जैन की पत्नी तथा सागर के निवर्तमान बीजेपी विधायक की सगी बहू हैं। कि डॉक्टर हरि सिंह गौर और लाखा बंजारा ने जो सपना देखा था उसको मैं साकार करूंगी सागर के लिए। स्कूल जाती थी, चक्राघाट से जाती थी, वहाँ पहुँच जाती थी। वहाँ मतलब ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने बहुत वहाँ पर नौका से उस पार जाते हैं। और ये अब जो धीरे धीरे आप देखिए ना, पूरा सुखा दिया है मिट्टी निकालने के उसमें कि भाई हम तो गहरा कर रहे हैं, गहरीकरण हो रहा है, गहरीकरण ड्रिलिंग हो रहा है, मिट्टी चारों तरफ रख दी गई है। आप लोग स्वयं जानते हैं, मिटा दिया है पूरा और घास का मैदान बन गया है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैडम ये बताइए कि तालाब का गहरीकरण हुआ है या नहीं हुआ है? घोषणा कर दी कि तालाब का काम पूरा हो गया, 9 लाख क्यूबिक मीटर मिट्टी निकल गई, तो आपको लगता है कि निकली है? मुझे क्या, सागर की जनता को नहीं लगता है कि मिट्टी निकाली गई है। कुछ एक डंपर दिख रहे हैं लोगों को, कुछ काम चल रहा है। एलिवेटेड कॉरिडोर इतना सुंदर जो जो आया है स्मार्ट सिटी का, तो उसके लिए तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है। और सारी जो मिट्टी है वो चारों तरफ बिखरी पड़ी है, काम के लिए बस छोटा मोटा कुछ समझ में आता दिखा दिया जाता है कि ये काम हो रहा है, और सागर की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। दीदी युवाओं के लिए, रोजगार के लिए क्या आप आगे कदम उठाएंगे? युवाओं की शक्ति तो जो है ना, उससे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। मैं युवाओं के लिए, आप किशोरियों के लिए, जो एक बोलते हैं ना कंप्यूटराइज माइंड, बच्चा पैदा होता है और मोबाइल लेके खेलने लगता है, महिलाएं कहती हैं अरे ये तो सेल्फी लेने लगा है, ये तो ये कर। तो जो युवा वर्ग है वो अभी जो 21वीं सदी का युवा है वो बहुत जानकार है, और एक क्लिक में पूरी दुनिया, हम लोग इतना नहीं जानते जितने युवा वर्ग जानता है, पूरी दुनिया को सामने रख देता है। मैं उसी के सहारे, मैं युवा शक्ति और किशोरी जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं और महिलाओं, उन पे केंद्रित करूंगी और उनकी बुद्धि का उपयोग करूंगी। जो सागर का जो एक विकास एक निश्चित तरीके से होना चाहिए उसको करूंगी। सत्तारूढ़ पार्टी के कैंडिडेट घोषित हो गए, कितनी बड़ी चुनौती वाली है? चुनौती चुनावी समर है तो चुनौती होती ही है, किसी भी पार्टी का हो, कितने भी प्रत्याशी हो, तो प्रतिद्वंद्विता तो रहती है, लेकिन सब अपने कामों से पहचाने जाते हैं। जिस तरह हम ताकत और संघर्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमारे रास्ते खुल रहे हैं, और बहुत आशीर्वाद हमारे सागर की जनता ने हमें दिया है। करंट भारत टीवी के लिए सागर से बीपी पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।